अब क्या हुआ अप्पा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है? फिर से? बड़ी अजीब बात है। इस बार मुझे पूरा यकीन था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। कोई बात नहीं, हम हिम्मत नहीं हारेंगे। चलो जल्दी जल्दी, चलो चलो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। हम इसे पार नहीं कर पाएंगे। अब क्या करें अप्पा? चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं। दूसरा रास्ता? अब हम उस पहाड़ से होकर जाएंगे। जल्दी जल्दी चलो, रास्ता बहुत लंबा है। बहुत थक गए अप्पा। अब नहीं चला जाता। इतनी सी दूर चलने पर तुम थक गए? लेकिन मुझे क्या पता था हम इतना घूम कर जाएंगे। जब भी थको सामने के नजारे को देखो। नजारे को? हाँ। कैसा लगा, तुम्हारी थकान दूर हुई या नहीं? हाँ। जो खाना था वो गायब हो गया। लगता है ये आवाज के पहाड़ है, इसीलिए ऐसा हुआ। आवाज के पहाड़? इसके बारे में मैंने अपने अप्पा से सुना था। यहाँ कुछ ऐसे पहाड़ हैं जहाँ पर तुम जोर से चिल्लाओगे तो बर्फ की नदी बहना शुरू हो जाती है, इसलिए ऐसे पहाड़ों को आवाज के पहाड़ कहते हैं। अच्छा, अपना ध्यान रखना। थैंक यू अप्पा। अब तो तुम समझ गए ना कि तुम्हें यहाँ पर चिल्लाना नहीं है। फिर से आ रही है। देखा तुमने, अगर तुम जोर से चिल्लाओगे तो क्या होगा? इस बार खाना हासिल करके ही रहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। सही कहा। वहीं रुक जाओ। तुम्हारे पास खाने का जो भी सामान है चुपचाप हमारे हवाले कर दो। चलो चले। गड़बड़ हो गई। हमें बहुत धीरे धीरे बोलकर काम करना होगा। सही कहा। तुम्हारे पास खाने का जो सामान है वो हमें दे दो। वो क्या कह रहा है? मुझे सुनाई नहीं दिया, वो बहुत दूर है। तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? खाने का सामान हमें दे दो। चलो तोते चैन, अब इसे फेंक दो। तुम्हारा निशाना चूक गया। हमारी बात मान लो, खाने का सामान हमें दे दो। जल्दी से दे दो। आओ चलते हैं। अरे लगता है हम रास्ता भूल गए। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, बर्फ पर चलते हुए मैं रास्ता भूल जाता हूँ। उधर देखिए। तो मुझे कुछ बताना चाहते हो? कुछ समझे? तुम ये कहना चाहते हो कि रास्ते में तुम खाने के टुकड़े गिराते हुए आए थे और अब हम उन्हीं टुकड़ों को उठाते हुए वापस घर चलें? कितने समझदार हैं। तभी तुम्हारे पास एक ही टुकड़ा बचा है। कर लो बात। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं? अप्पा को खाना पहुंचाऊं या टुकड़ों के सारे घर वापस जाऊं? देखो एक और मिला। हाँ मुझे भी एक और मिला। तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्यों हमारे पीछे पड़े हो? हमें भूख लग रही है, इसलिए हमें खाना चाहिए। तो खुद मेहनत करके अपना पेट क्यों नहीं भरते? अप्पा क्या हुआ? ये निशान किसके हैं? ये निशान आपको पता है ये निशान किसके हैं? इसके बारे में भी मैंने अपने अप्पा से सुना था। दादाजी फिर आ गए। ऐसे बर्फीले पहाड़ों पर जंगल में हमेशा खो जाने का डर रहता है और साथ में यहाँ रहता है एक खतरनाक भालू। क्या हुआ? भागो। अप्पा जल्दी से वो खाना उस भालू को दे दो। ठीक है, ये लो ये लो। ले लो, सोच क्या रहे हो? तुम ठीक तो हो ना?
मैं तो जम गया हूँ। हमारे लिए खाना लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बताओ खाना कहाँ है? ये रहा। बस इतना सा ही लाए हो? लाए तो बहुत सारा थे लेकिन सब रास्ते में ही खत्म हो गया है। आप ही बताइए अब मैं क्या करूं? अप्पा ने मारे बिजली के झटके। चोट तो नहीं लगी? मेरी ऐसी हालत देखने के बाद भी ये सवाल पूछना जरूरी था क्या? असल में खाना बन गया है, मैं आपको बुलाने आया था। खाने का समय हो गया। ठीक है चलो। यहाँ पर बिजली गिरी और उसने पेड़ को जला दिया। काश मेरे पास भी ऐसी ताकत होती कि मैं हर चीज को राख कर पाता। तो तुम्हें ऐसी ताकत चाहिए क्या? बोलो बोलो बोलो। लेकिन तुम हो कौन भाई? मैं कौन हूँ? मैं हूँ बिजली गिरा के करंट मारने वाला एजेंट। तुम्हें यदि मेरे जैसी ताकत चाहिए तो मैं थोड़ी दे सकता हूँ, बोलो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फालतू की बातों पे यकीन कर लूंगा मैं? हाँ क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? सुनो मैं तुम्हें थोड़ी ताकत दे देता हूँ, देखो देखो। अप्पा अब क्या हो गया? अब ठीक है ना? अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? गॉन तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे ऐसे दूर दूर क्यों चल रहे हो? वो इसलिए क्योंकि जैसे ही मैं आपको छूता हूँ मुझे बिजली का झटका लगता है। क्या कहा, बिजली का झटका? लेकिन मुझ में तो कहीं भी कोई भी बिजली नहीं है। अरे तुम सब आ गए? अम्मा क्या हुआ, क्या बात है गॉन? अप्पा थोड़े अजीब से हो गए हैं अम्मा। अप्पा अजीब हो गए हैं? पर इसमें कौन सी नई बात है? वही तो लगता है बताना ही पड़ेगा। गॉन इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे एक अजीब आदमी मिला था और उसने मुझे जबरदस्त ताकत दे दी। मैं वो तुम्हें भी दिखाता हूँ, अभी हाल दिखाता हूँ वो ताकत। ये ऐसे इसमें मेरी क्या गलती है जो तुम मुझसे दूर बैठे हो? माफ करना अप्पा लेकिन तुम हमारे पास नहीं आ सकते, वरना तुमसे हमें भी जोर का झटका लगेगा। बुरा मत मानना अप्पा। दिल पे मत लेना। खैर कोई बात नहीं, चलो अब मैं खाना खाता हूँ, बहुत जोर की भूख लगी है। चलो खाना शुरू करो। मेरा खाना भी जल गया। अरे थोड़ा सा तो दे दो। कोई फायदा नहीं, अब मैं खाना भी नहीं खा सकता। चलो थोड़ा सूप ही पी लेता हूँ। सूप भी सूख गया। बुरा मत मानना अप्पा लेकिन सच तो यही है कि तुम जिसे भी छुओगे वो चीज जल जाएगी। हमें माफ कर देना। हमें झटके नहीं खाने। ठीक है कोई बात नहीं। अप्पा अब आपको कैसे लग रहा है? अरे अप्पा कहाँ चले गए? अम्मा अम्मा अप्पा चले गए। क्या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने ये कहा था कि मेरे पास इतनी जबरदस्त ताकत होती है मैं किसी भी चीज को राख कर पाता। कोई बात नहीं और ले लेता हूँ। ये भी क्या, कोई और ले लेता हूँ। ये भी क्या, और ले लेता हूँ, और ले लेता हूँ। ये बात है तो ठीक है। मैं पानी तो नहीं पी पाया लेकिन मछली पकड़ने का लाजवाब तरीका मिल गया। ये भी जल गई। ये क्या हो गया, मेरी ताकत मेरे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गई कि मैं खा पी और शिकार भी नहीं कर सकता।
क्या हुआ? तुम सब लोग यहाँ पर क्यों आए हो? हमारे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। आइडिया है? ये लो केले, मैं इनका क्या करूँ? हाँ अप्पा, आप इन केले को बिना छुए सीधे अपने मुंह में रख लो, इस तरह। चलो तोते चैन, शुरू करो। देखा? अच्छा ऐसे, तो ठीक है, चलो जल्दी करो करो। ये लो। आओ। अब मैं क्या करूं? अगर यही हाल रहा तो मैं भूखा इस दुनिया को अलविदा कह दूंगा। अप्पा देखो, तुम अपना दिल मत छोटा करो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास जो ताकत है तुम उसकी मदद से शिकार क्यों नहीं करते? इससे हम सबका भला हो जाएगा। अगर पकड़ भी लिया तो क्या खा पाऊंगा उसे? हाँ बताओ। पर आप खूब सारे शिकार पकड़ लेते हो तो हमें आगे चलकर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, तुम्हें शिकारियों का शिकारी कहा जाएगा, पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम होगा। हाँ ठीक है, वैसे तो मैं भी यही सोच रहा था। माँ, 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 माँ। इतने सारे मेहमत। हाँ मैं हूँ शिकारी नंबर वन। मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो मेरी दी हुई ताकत तुम्हारे काम आ रही है ना? बोलो। अरे तुम फिर से आ गए? अपनी ताकत वापस लेने के लिए। मेहरबानी करके जल्दी ले जाओ, वो बहुत बड़ी मुसीबत बन गई है। मुसीबत? मुझे लगा तुमने ताकत की मदद से मेहमत पकड़ लिए होंगे। मैंने तुम्हारी ताकत नहीं बल्कि अपनी अकल से पकड़ा है। ऐसा है क्या? है? अरे कहाँ भाग गए, अपनी ताकत वापस ले गए? कम से कम मेरा शरीर तो पहले जैसा कर जाओ। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलती बंद हो गयी? देखो मुझे कमजोर मत समझना, मेरे पास बिजली के झटके देने की जबरदस्त ताकत है। तुम्हारा शरीर पहले जैसा हो चुका है, अब उसमें कोई ताकत नहीं है। कोई ताकत नहीं है? अरे तुम्हें भी यही वक्त मिला था ताकत वापस लेने का। अभी वापस दे दो फिर बाद में ले जाना। अरे जल्दी से ताकत दे दो, नहीं तो मुझमें ताकत नहीं बचेगी। अरे कोई बचाओ, बचाओ। अजीब बात नहीं है, कभी कहता ताकत ले लो, कभी कहता ताकत दे दो। तोते चैन बन गया राजा। रॉक पेपर सीजर्स। तुम हार गए तोते चैन। इसलिए अब ये सारी लकड़ियाँ तुम उठा कर ले चलोगे। बिल्कुल सही कहा तुमने गॉन। चलो अब घर चलते हैं, देर हो रही है। तुम अभी नहीं जा सकते। हमने तुमसे कौन सा उधार लिया था जो बिना चुकाए नहीं जा सकते? असल में ये हमारे लापता राजकुमार का ताज है। अब मैं इसे तुम सब के सर पर रख कर देखूंगा कि किसे फिट आता है ये। जिसके सर पर भी ये ताज अच्छी तरह से फिट आएगा वही हमारा नया राजा होगा। तुम्हें फिट नहीं हुआ? इस पर भी फिट नहीं हुआ? ताज फिट आ गया, हमें अपना राजा मिल गया, यही हमारे नए राजा हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये क्या चक्कर है? ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे बताएगा कि तोते चैन वहाँ क्या कर रहा है? असल में उन लोगों को अपने राजा की तलाश थी और तोते चैन उनका नया राजा बन गया है। राजा बन गया है, ये कैसे हुआ? इतनी देर से मैं भी तो यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। महाराज आपके लिए ये छोटी सी भेंट, स्वीकार कीजिए। राजा बनने के बहुत फायदे हैं, बैठे बैठे खाने को मिलता है। अरे वाह, केले तो मैं भी खाऊंगा। वो केले सिर्फ हमारे राजा के लिए हैं, तुम जैसों के लिए नहीं। खबरदार जो हमसे ऐसे बात की। तोते चैन हमारी फैमिली से है, तुम उसे हमसे मिलने से नहीं रोक सकते। हमारे महाराज इस समय खाना खा रहे हैं, तुम उनसे नहीं मिल सकते, बाद में आना। बहुत भूख लग रही, तुम कहो तो। क्या कहा अप्पा? अब वो हमारे राजा हैं, तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता नहीं।
तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तोते चैन, आओ चलो घर चलते हैं। बहुत बढ़िया, चलो चलते हैं। महाराज कहाँ जा रहे हैं? ये तो खाइए। हाँ खाता हूँ। तोते चैन, हम सब ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। चलो घर चलते हैं। चलो तोते चैन, चलो हम वापस चलकर खूब मजे करेंगे। हाँ चलता हूँ। महाराज आपके आराम का इंतजाम हमने पहले ही कर दिया है। तोते चैन, अब हमसे ज्यादा ये लोग तुम्हारे अपने हो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मेरे साथ घर चलोगे या नहीं? मेरी तो लाइफ बन गई। तोते चैन बदल गया, तोते चैन बदल गया, अब वो मेरा दोस्त नहीं रहा। ये तो कमाल ही हो गया। उसके आसपास इतने सारे लोग हैं, इसलिए वो बहकावे में आ गया है। लगता है उसका वापस आने का कोई इरादा नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तोते चैन ऐसा। उसका नाम भी मत लो। अगर वो वापस भी आए तो उसे घर में मत घुसने देना। वो बदल गया है, अब वो मेरा दोस्त नहीं रहा। ऐसा नहीं कहते हैं गॉन। एक दिन वो वापस जरूर आएगा, फिर तुम दोनों मिलके खूब खेलना। मुझे कोई बात नहीं करनी। महाराज की जय हो। सुबह हो गई महाराज। सुबह हो गई महाराज। तो केले लेकर आओ। रुक जा, रुक जा, रुक जा। तुम देखते जाओ गॉन, आज हम उस मेहमत को बहुत जल्द पकड़ लेंगे। रुक जा। गॉन, ये क्या? उसे चोट लगी। रुक जाओ। रुक जाइए महाराज, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से यहाँ बैठिए, कहीं भी नहीं जा सकते आप। जल्दी आओ, महाराज के लिए खाने की चीजें लाओ। इतना सारा खाना, क्या करूं? खाइए महाराज, ये सब आप ही के लिए है। खाने का मजा लीजिए। खाना शुरू कीजिए महाराज। और कुछ चाहिए तो बस हुक्म कर दीजिए। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे जाना है। मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। ये लीजिए महाराज, ये भी आपके लिए है। मुझे ये नहीं चाहिए। तोते चैन, रोना बंद करो। तोते चैन में आ रहा हूँ। तोते चैन। क्या हुआ महाराज? क्या हुआ? क्या हुआ? कौन आ गया? मेरा दोस्त आ गया। महाराज, तोते चैन, मेरा दोस्त गॉन। चलो हम साथ खेलने चलते हैं। अरे ताज फिट आ गया, इसका मतलब अब यही हमारे नए महाराज हैं। वही 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 वही। उन्हें नया राजा मिल गया। समझ में नहीं आता आखिर वो ढूंढ कैसे रहे हैं। जैसे दुनिया में हर इंसान आजाद है, वैसे ही हम भी आजाद हैं। हमें किसी राजा की जरूरत नहीं है। सही कहा। समझ में नहीं आता ये सब सफाई कौन करेगा। अरे इसमें समझना क्या, इसके लिए तोते चैन है ना। अरे हाँ, आखिर महाराज भी तो यही था। जल्दी करो तोते चैन, हम खाना खाने जा रहे हैं। तुम जल्दी नहीं आए तो हम सारा खाना अकेले खत्म कर देंगे। ये तो गलत है। ये कौन सी दुनिया है? चलो मैं इसे फेंक रहा हूँ। आप तैयार है ना अप्पा? हाँ तैयार हूँ, फेंको और मेरा कमाल देखो। मैं भी फेंकता हूँ। अरे वाह अप्पा, आपका तो जवाब नहीं। वाकई जवाब नहीं? अरे होगा भी कैसे, मैं पुराना खिलाड़ी जो हूँ। फेंको, एक और।
एक और फेंको और फेंको। अरे फेंको। बंद भी करो अप्पा, ज्यादा उछल कूद कर चोट लग जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं इस बाजीगरी में बहुत माहिर हूँ। मेरा कोई अप्पा क्या हो गया तुम्हें? इसीलिए कह रही थी ना ज्यादा उछल कूद मत करो, अब देखो क्या हो गया। आँखें खोलो अप्पा, आँखें खोलो। ये सब तुमने क्या कर लिया? क्या जरूरत थी अपनी बाजीगरी दिखाने की? ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मुझे माफ कर दो अम्मा। उड़ चला मैं। अब्बा, ये क्या, मेरे घर वाले मेरे बिना परेशान हो रहे हैं। जाने का प्रोग्राम कैंसिल। अरे छोड़ो मुझे, जब तुम्हारे पास अपना घोड़ा है तो मुझे घोड़े की तरह रस्सी से क्यों खींच रहे हो? छोड़ो मुझे, मेरे घर वाले मुझे बुला रहे हैं। छोड़ो मुझे। देखो तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, तुमसे ज्यादा मेरे घर वालों को मेरी जरूरत है, इसलिए छोड़ दो मुझे। देखो लगता है मुझे ऐसे नहीं छोड़ने वाला है, मुझे खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। कमर टूट गई मेरी तो, लेकिन ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ आ गया हूँ? अब ये क्या मुसीबत है? हाय, बाल बाल बच गया। इतने सारे, बचाओ। सारे के सारे मेरे ही पीछे पड़ गए, लगता है इनकी आंखों की जगह बटन लगे हुए हैं। अरे जाओ यहाँ से, जाओ, तुम गलत आदमी के पीछे पड़े हो, जाओ यहाँ से जाओ। इससे पहले कि ये मुझे देखे, मुझे यहाँ से खिसक लेना चाहिए। लगता है अब तो मेरी कमर की बैंड बच के ही रहेगी। अब ये क्या चीज है? बचाओ बचाओ। पता नहीं मैं बार बार कहां पहुंच जाता हूं। ए? 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 समझ में नहीं आता मैं कौन सी जगह पहुंच गया हूं। ये अजीब सी चीज क्या है? कोई खाने की चीज है क्या? बचा। समझ में नहीं आता हर बार कौन सी अजीब अजीब जगह पहुंच जाता हूं मैं। अब मैं फिर से कौन सी अजीब जगह पहुंच गया? कोई बताएगा मुझे कहां हूं मैं? वापस जाकर ही रहूंगा, चाहे मुझे हवा में तैर कर ही क्यों ना जाना पड़े। Oh,
लगता है होश में आ रहा है। आगे खोलो। अरे छोड़ो मुझे, मुझे क्या मुर्गा समझ रखा है जो उल्टा लटका के ले जा रहे हो। छोड़ो 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 मुझे। अरे वाह टूट गया, अब मुझे भी फूट लेना चाहिए। कौन अम्मा?